नमस्कार। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को बता दूँ, रामायण मूवी जो हमारे सामने आ रही है, इससे जुड़े हुए कुछ बड़े अपडेट सनी देओल ने दे डाले हैं। ऐसे क्या अपडेट दे डाले हैं? वहीं पर सनी देओल ने कुछ ऐसी बातें कहा, जैसे कि सनी देओल आप लोग जानते हैं बजरंग बली का रोल किरदार निभाते हुए नजर आ। अभी तक रामायण मूवी का सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेलर ही दिखाया गया है, यानी एक ट्रेलर दिखाएगा और कुछ पोस्टर हमारे सामने रिलीज किए गए हैं जो कि रणबीर कपूर का राम का रोल में नजर आएंगे। लेकिन इस मूवी को लेकर के साई पल्लवी ने एक अपनी बड़ी भूमिका अदा किया है और सीता के रोल को निभा करके साई पल्लवी काफी ज्यादा खुश इंटरटेनमेंट नजर आएंगे। यानी साई पल्लवी ने भी इस बात को लेकर के क्लियर किया है कि सीता के रोल को करके इस मूवी में हम काफी ज्यादा खुश नसीब हैं और काफी ज्यादा हम अपने आप को भी इंटरटेनमेंट यानी खुश नसीब समझते हैं कि रामायण जैसी मूवी में हमें काम मिला और वो भी सीता का रोल करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो मायने रखता मूवी का जो लुक होता है, लेकिन हमारे पास कुछ कमेंट आया था पीछे जब मैं एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ कुछ लोगों का कहना था कि शायद के जैसे रामायण मूवी बन रही तो शायद आदि पुरुष जैसे कुछ ना दिखा दिया जाए, जो कि 600 करोड़ में बनी थी आदि पुरुष, जो कि प्रभास के जरिए लाई गई थी। लेकिन यहाँ पर रामायण मूवी को भी 600 करोड़ में ही बनाया जा रहा है। लेकिन देखो, रामायण मूवी और आदि पुरुष को कंपेरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि आदि पुरुष मूवी से इंस्पायर होकर के ही ये रामायण मूवी को बनाया जा रहा है, जिसमें कि हमें रॉकी स्टार रावण के रोल में नजर आएंगे। हालांकि रावण के रोल के लिए पहले ऋतिक रोशन को चुना गया था, लेकिन ऋतिक रोशन ने यह कहकर मना कर दिया था कि फ्यूचर में आने वाली मूवियों पर मेरा गलत प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैं कोई निगेटिव रोल करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ और न ही करूँगा। तो ये कह करके ऋतिक रोशन ने मना किया था, इसकी वजह से शायद ऋतिक रोशन इस मूवी को नहीं किए हैं। लेकिन हालांकि एक उम्मीद जो इसमें जताई जा रही है, एक बेहतरीन फ्यूचर के रोल में अगर बात की जाए तो इस मूवी का काम कर लेना चाहिए। आखिर रावण के रोल के लिए कोई बुराई नहीं थी। देखो, रामायण जैसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि इसको लोग लाइफ टाइम तक देखना पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छी मूवी होंगी और जो कि ऐसी मूवियों के लिए हमेशा लोग यानी कि एक्साइटेड रहते हैं बनाने के लिए, अलग करने के लिए, सब बेहतरीन होता है। लेकिन यहाँ पर रणबीर कपूर के राम के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा लुकिंग सीन है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो लुकिंग सीन नज़र आई हमें सनी देओल की यानी बजरंग बली के रोल में नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने पहला वाला सीरियल मैंने देखा था, तो उस सीरियल में हमें बजरंग बली के रोल में धारा सिंह नजर आए थे जो कि पंजाब के पुत्र थे, और इस रामायण में भी पंजाब के पुत्र हैं जो कि उस सीरियल को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था और इस मूवी को कितना प्यार मिला। लगभग 3 घंटे की रामायण मूवी को बनाया जाएगा, जो कि रामायण से ही स्पायर पार्ट कुछ निकाले के बनाया गया, जो कि बहुत बड़े यानी 4K में पूरी तरह से मूवी को रिलीज किया जाएगा, यानी 4K में रिलीज किया जाएगा और बहुत ही अच्छी लेवल की मूवी होने वाली है। इसकी अगर बात करूँ तो आज 600 करोड़ की बनी हुई मूवी जो अभी से इसका एंटरटेनमेंट चल रहा है, यानी कि जो इसकी बातें चल रही है, मूवी की शूटिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, यानी लगभग अगर कहूँ 4 हिस्से में से 3 हिस्से कंप्लीट हो चुके, अभी 1 हिस्सा बाकी है। लेकिन रणबीर कपूर आज के समय के उभरते हुए चांद हम कह सकते हैं, उभरते हुए सितारे कह सकते हैं, क्योंकि रणबीर कपूर इतने समय खाली नहीं बैठते, एक मूवी से छुट्टी पाते तुरंत दूसरी मूवी को कैच करते हुए नजर आए। ऐसा नहीं कि छोटी मूवियाँ कर रहे हैं, बड़ी मूवियाँ करते हुए, जैसे कि आप लोगों के सामने मूवी अभी आई थी जल्द में, कौन सी आई थी यार, 900 करोड़ रुपए कमा के गई है, सॉरी नाम नहीं आ रहा उसका, एनिमल्स मूवी आई थी, एनिमल्स ने 900 करोड़ रुपए कमा के गई और काफ़ी अच्छा अपना बजट बना के गई, इसलिए हम कुछ अलग नहीं कर सकते। इसलिए रणबीर कपूर भी बेहतरीन इस समय के हीरो उभरते हुए हैं और बढ़िया मूवी दे रहे हैं इस समय। और फिलहाल आप लोग क्या कह सकते हैं, रामायण मूवी से इंस्पायर है कि नहीं, आप लोगों को रामायण का इंतजार है कि नहीं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले भी